सपने अपने। नमस्कार, कैसे हैं आप? फैमिली गुरु में आपका स्वागत है। आज आपने सारे दर्शकों की डिमांड पर ये एपिसोड फिर लेकर आई हूँ। आइए शो की शुरुआत करते हैं। शो में डेली आपको 5 महा उपाय बताती हूँ, तो आज शो के दौरान आपको उपाय बताऊंगी। और सबसे पहले पहला महा उपाय जानिए। कर्ज उतरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतर नहीं पा रहा, माना जाता है इस टोटके को शुक्ल पक्ष के पहले सैटरडे या अमावस्या को करना चाहिए। हालांकि कोई भी उपाय आप अगर मन से करते हैं तो रिजल्ट जरूर आएगा। आपको करना क्या है कि आपको लगातार अपने माथे पर थोड़ी सी 2 बूंद शराब की बोतल को रगड़कर मंदिर की धूप के साथ मिलाकर किसी पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। चिड़चिड़ापन दूर करना हो, बहुत चिड़चिड़ा हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तो राई मिर्ची उसार कर जला दे और जो इंसान गुस्सा और चिड़चिड़ा हो रहा है उसे देखते रहने के लिए कहिए। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। आपको राई और गुरुवार को राई का दान करने से पूरा दिन शुभ रहता है। इसके अलावा नमक, राई और लहसुन प्याज के छिलके को अंगार पर डाल देने से उसकी राख को माथे पर घुमाकर अगर लगा देते हैं तो बुरी नज़र का दोष मिटता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, क्योंकि मैंने शराब की लत पे बात करी, अपने घर में बहुत ज़्यादा शराब की बोतलों को सजाए रखने पर आप में और बच्चों में दोनों में लत आ जाती है। शराब अगर आपके घर में बार है भी तो उसको हमेशा क्लोज रखा करें और बार में बहुत ज़्यादा शीशे नहीं होने चाहिए, नहीं तो लतें और मजबूत हो जाती हैं। आज का चौथा महा उपाय जानिए। पीपल की पेड़ की छाया में खड़े होकर लोहे के पात्र में पानी लेकर उसमें दूध मिलाकर पीपल की जड़ में डालने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय जानिए। धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी के प्रति एकादशी को आप दिन में 9 बातियों वाला शुद्ध घी का दीपक जलाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैंने आपसे शराब की लत पर बात करी, मुझे उम्मीद है इन उपायों से आपकी ज़िंदगी में खुशियां वापस लौट आएंगी, आपके लव्ड वंस की लत दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी के नए पहलू पर बात करने के लिए मैं फिर से कल आऊँगी, इसलिए कल का शो ज़रूर देखिए, कल कुछ खास सरप्राइज हैं आपके लिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। साकार करें सपने अपने।